सहारा मैरिज हॉल मुंब्रा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मुंब्रा के ठाकुरपाड़ा में काफ़ी जो है घनी आबादी है और पतली पतली गलियां होने की वजह से यहां पर गलियों में काफ़ी कचरा भरा हुआ है। यहां तक कि गलियों में जो चैम्बर वगैरह टूटे हैं उनका पानी भी यहां पर बहता रहता है और स्थानीय लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। दरअसल परेशान इसलिए है कि कुछ लोग इमारत से ही इन गलियों में खुद ही कचरा फेंकते हैं और अपने फेंके हुए कचरे से ये लोग खुद परेशान हैं और साफ़ सफाई यहाँ पर कोई करने के लिए भी नहीं जा रहा है। बहुत कम ही साफ़ सफाई करने वाले यहाँ पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में यहाँ पर बीमारी भी फैल रही है और गलियों में गंदा पानी कचरा भी बह रहा है। ऐसे में पल्लवी शिवा जगताप के पास कुछ लोग इसकी शिकायत लेकर आए थे, जिसके बाद विधायक जितेंद्र आभाट जो है ठाकुरपाड़ा में गए थे, वहाँ से लोगों की समस्या सुनी कि किस तरह यहाँ पर गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं हो रहा है। तो विधायक जितेंद्र आभाट ने लोगों से कहा है कि जल्द ही इस एरिया में जो गंदगी है उसे साफ़ सफाई कराकर लोगों को दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी जो है पल्लवी शिवा जगताप को दिया गया है कि जो इलाका है यहाँ पर इस पूरी गलियों में साफ़ सफाई की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी साफ़ सफाई के लिए जो है जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुरपाड़ा ऐसा इलाका है जो काफ़ी घनी आबादी है और पतली पतली गलियां हैं यहाँ पर, और यहाँ इमारतों से ही कचरा व गलियों में ही फेंकते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से दो दो बिल्डिंगें को बीच में जो गलियाँ हैं उनमें कचरा भरा पड़ा हुआ है। पल्लवी शिवा जगताप पर कुछ स्थानीय लोगों ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। ठाकुरपाड़ा में जो आवास साहब जो यहाँ डीसीपी ऑफिस पर आए थे, काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, कुछ एरिया की समस्या थी, क्या पूरा मामला था, क्या बातचीत हुई आवास साहब? यहाँ के ठाकुरपाड़ा के जिम्मेदार लोग हैं, उनको पिछले कई दिनों से, कई महीनों से यहाँ पे कचरे की बहुत बड़ी समस्या है। म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं हो रहा है पिछले कई महीनों से, तो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको साथ में लेके आज हमने आवार साहब का टाइम लिया था। कल ही उन्होंने हमको टाइम दिया और आज साहब आ गए और उन्होंने यहाँ के लोगों को आश्वासित किया है कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे जो भी कचरे की समस्या है, क्योंकि दो बिल्डिंग के बीच का कचरा जो रहता है वो प्राइवेट रहता है, उसको हाउस गली बोलते हैं, तो म्यूनसिपैलिटी डिनाई करती है वो कचरा उठाने के लिए। अब यहाँ पर बीमारियाँ बढ़ते जा रही है, यहाँ पर हाई फीवर है, मलेरिया है, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ बढ़ते जा रही है, तो ये सब मसले हो रहे हैं। ये सब बातों पर चर्चा हुई आवार साहब के साथ और अभी दो तीन दिनों में ही आवार साहब यहाँ पे सारी हाउस गलियाँ हमें क्लीन करने के लिए करके दे रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पे जो भी बचे हुए काम है, कंक्रीट के रिलेटेड है या लोगों की और भी कुछ समस्या है, वो जल्द से जल्द हल हो जाए। हम लोग शमीम बेग ठाकुरपाड़ा में विशाखा बिल्डिंग में कचरे की प्रॉब्लम है। सामने वाली बिल्डिंग से सब जगह से कचरा बहुत आता है और हम लोग सबको बोल चुके लेकिन कोई साफ नहीं कर रहा, इसके लिए हमने आवार साहब को बोले कि आप हम लोग को थोड़ा मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, तो उन्होंने आज हम लोग को टाइम दिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मतलब आभार उनके कि हम लोग को उन्होंने टाइम दिया और बोले कि हम काम कर देंगे। इतना देखा जाता है कि बिल्डिंग से ही कचरा फेंक देते हैं, नीचे राहगीरों पे भी फेंक देते हैं, गलियों में भी फेंकते हैं, तो आखिर कचरा फेंकते कि अपने घर में डस्टबिन रखना? अब हमारी बिल्डिंग से तो बोलते हैं कचरा नहीं जाता है सर, हाँ डालना चाहिए, वो तो है। फिर नहीं, हमारी बिल्डिंग से सब बोलते हैं कि हमारे इधर से नहीं आता, जो सामने वाला स्पेस है ना तो वहाँ से बहुत कचरा आता है, और वहाँ वाले बोलते हैं कि पहले आप अपना साफ करो फिर हमको बोलो, तो उस दोनों में हाँ एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहा है। संडास भी आते हैं, हाँ संडास भी आते हैं, चेम्बर पूरा हाँ खुद लोग बनवाते नहीं बनवा रहे, वही बोली ना कि आपको क्या बोलते हैं आप लोग करो फिर हम लोग करेंगे, ऐसा मतलब चलता है कि बोले आप दिखाओ फिर हम करते हैं, इसमें चल रहा है बातें, आज दो तीन साल से यही सब चल रहा है, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है। मतलब तो गंदगी में रहना लोग पसंद करते हैं शायद, हो सकता है हाँ उनको यही पसंद है, और क्या बोल सकते हैं।
अवार्ड सर ने बोले कि ठीक है हम काम करेंगे, थोड़ा हमको टाइम दो दो, हो जाएगा, करवा देंगे। रास्ते के लिए भी बोले उन्होंने, तो हमको बोले हम वो भी करवा देंगे, और जो भी कहे मतलब बोले आप हमको जब भी बोला हम आ जाएंगे, आपको टाइम दे देंगे। क्या नाम है? मोहम्मद जुबैर। क्या बात है, बात हुई अवार्ड साहब? अवार्ड साहब से बात हुई कि इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर ये तुम्हारा मसला हल हो जाएगा कचरे का। हम लोग काफ़ी टाइम से उसके पीछे पड़े हुए थे, ये बच्ची बहुत धक्के खाई, बहुत जगह मेरे साथ चली कि भाई चलो चाचा तुम मेरे साथ चलो। हम लोग म्यूनसिपालिटी विभाग में भी गए कचरा साफ करने वालों के पास, उन लोगों ने भी ठीक से जवाब दिया नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते भी नहीं हैं और करने देते भी नहीं हैं, तो वो भी ज़्यादा एक मसला है कि ना करना है ना करने देना है, समझो। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक साधारण आदमी हूँ और वो लोग हैं ऊँचे ऊँचे टच वाले लोग हैं, मैं नाम लेकर खुद को मुसीबत में नहीं डाल सकता, समझे। समझदारों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा कचरा साफ़ हो जाए, हमारी ये वहाँ जो गंदगी पड़ी है ये गंदगी साफ़ हो जाए, क्योंकि हमारे घरों के अंदर मच्छर आ रहे हैं, चूहे आ रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, बस हम इससे बचना चाहते हैं। हमारे को चाहिए कि हमारे को साफ़ करके मिल जावे। अब इसके लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, ये पल्लवी जो बच्ची है मेरी ये मेरे साथ भागी बहुत, फिर उसके बाद में ये अवार्ड साहब से टाइम ली, टाइम लेने के बाद इधर लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद में आज अवार्ड साहब ने हम लोगों को एक आश्वासन दिया है कि 2 से 3 रोज़ के अंदर तुम्हारी ये कचरे की समस्या मैं हल कर दूँगा।